when we started this company in 25th may 2001, we started as a, you can say, basically netserv is an it company, was a software company, and the software company we developed a software for a network marketing company in north america. after developing the software, we thought that why we should not open a company in india, and that's what we started this company as a netserv network. netserv network is not the company name.

I am not from this industry. career, Before NetServe, I haven't heard a name about this network marketing or direct selling or multi level marketing. After completion of my MBA, I started working with some, you can say, multinational companies in Ahmedabad. Then I moved to Vishakhapatnam, worked with the Indian company, and then moved to Delhi and then Mumbai, and then settled down in Pune.

न से टर्न की प्रोजेक्ट टर्न की मतलब फ्रॉम इच एंड एवरी थिंग विद डेवलप तो सुजीत सर कॉल्ड मी एंड गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अयर फॉर अथेकन कंपनी एंड वी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट दैट सॉफ्टवेयर टू इन नॉर्थ अमेरिका एंड उसके बाद आफ्टर सम पीरियड एक थॉट आया कि वाई वी शुड नॉट स्टार्ट अ कंपनी इन इंडिया एंड जब ये थॉट आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जिन जिन लोगों से बात की इन इन कंपनी विद माई फ्रेंड्स विद यू कैन से एक्सपर्ट एवरीबडी एवरीबडी हर किसी ने हमको एक ही चीज बोला कि बॉस ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है यहां पर मतलब जिसको बोलते हैं ना सही काम नहीं होता है आपको यहां पर नहीं उतरना चाहिए बिकॉज यू आर वेरी पर्सन आप इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगे आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे

जनवरी फरवरी, मार्च तीन महीने में अलग अलग कंपनी का स्टडी करने के बाद वी सबमिट रिपोर्ट टू लीगल डिपार्टमेंट रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और जब हम लोगों ने उसको नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बताया समझाया इन आर वे इन डिफरेंट यू कैन से प्रोफेशनल मेथोडोलॉजी तो देवर सरप्राइज देव सरप्राइज की हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग सुना था आप जो नेटवर्क मार्केटिंग बोल रहे हो इट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट यू कैन से प्रोसेस क्योंकि एक इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिर्फ सेल 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 के ऊपर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इट इज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब इफ इट इज अ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यू नीड टू वर्क हर फॉर प्रोडक्ट

ने मुझे ही अपॉर्चुनिटी दी टू स्टार्ट अटवर्कल टू थाउजेंड वन ऑल टॉप टेन कंपनीजर ओनर्स इसी तरीके से जिसको बोलते ना जुगाड़ करके मैंने उन लोगों से मीटिंग करना शुरू किया एंड जब उन लोगों से मीटिंग की That time, I realized that in India, जो उस समय शायद करोड़ कर रहे थे उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग मालूम नहीं था बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टार्टेड बाई अ नेटवर्कर और अगर आप नेटवर्क कंपनी शुरू करता है तो नेटवर्कर का अप्रोच इज वेरी शॉर्ट टर्म मतलब थ्री मंथ सिक्स मंथ वन ईयर टू ईयर दैट इट दो साल के बाद नेटवर्कर मतलब I'm, I'm, I'm so sorry, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं बट दैट इज द फैक्ट जो मुझे रियलाइज हुआ कि एक नेटवर्किंग मेंटालिटी साल दो साल तीन साल के ऊपर सोचता ही नहीं है एंड एक प्रोफेशनल कंपनी हमेशा सोचता है कि पांच साल बाद क्या होगा दस साल बाद क्या होगा बीस साल के बाद क्या होगा एंड जब मैं अलग अलग नेटवर्कर से मिला अलग अलग कंपनी के ओनर से मिला मिलने के बाद उनको एक सिंपल क्वेश्चन किया सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग नोबडी नोज अबाउट इट किसी को नहीं मालूम था डेफिनेशन क्या है बट अगर हम लोग अच्छे से चेक करते व्हाट इज द डेफिनेशन नेटवर्क मार्केटिंग इट इज अ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाइनटी परसेंट कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट नहीं थे नाइन्टी परसेंट कंपनी को यह नहीं मालूम था कि ये कंपनी जो मैं अभी लोगों को जोड़ने का कर रहा हूं कितने लोग ज्वाइन होने के बाद मेरा कंपनी मतलब जिसको हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर बट बी सॉफ्टवेयर कंपनी हम लोगों ने डे से हमारे एंटायर कैलकुलेशन एकदम क्लियर रखे थे बिकॉज वी डेवलप्ड टर्न की प्रोजेक्ट फॉर अ नॉर्थ अमेरिकन कंपनी दैट्स वॉट वी नो द एल्गोरिदम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड हम लोगों ने हम लोगों ने उसके बाद इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया एंड शुरू करते समय उस समय तो हमारे पास ऑफर्स बहुत सारे आए मैं मेरा नेटवर्क लेके आता हूं मेरे पास 500 लोग एक आया मेरे पास 5000 लोग एक आया मेरे पास 5 लाख नेटवर्क ने बोला भाई ऐसे लोग नहीं चाहिए वी वांट अ ब्लैंक स्लिक हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ काम करते हैं वी डोंट वांट शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म यू कैन से वेरी गुड टीम ऑफ इनिशियल लीडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर इन नेटवर्क पहला बंदा एंड जो दही तुले है इन्होने कभी भी कभी भी अपने को नेटस से अलग नहीं समझा है ही वर्क एज अ कंपनी मतलब मैं जब उनके साथ में बीस साल से मैं उनके साथ डील कर रहा हूँ काम कर रहा हूं And उस समय से लेके आज तक मैंने उनको हमेशा देखा है उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या फायदा है उन्होंने ये देखा है लोगों के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया फर्स्ट ईयर रैपिड ग्रोथ हुआ नेटसर्फ का जिसको बोलते हैं ना कि अनऑर्गेनिक ग्रोथ यू वी कैन सेकेंड ईयर अगेन ग्रोथ थर्ड ईयर अगेन ग्रोथ

2004 में अपना एक नया प्लान डाला देखो जनरली क्या होता है ना जब बिजनेस डाउन होता है तो लोग पैसा बचाते हैं हम लोगों ने उस समय इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया टू थाउजेंड फोर लिमिटेड एंड उस कंपनी के साथ में हम लोगों ने फिर और हेल्थ केयर केयर प्रोडक्ट बनाने कंपनी कॉल अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड जो 1991 के थी 2005 हम लोगों ने हिमाचल में अपना प्लान सेटअप करना शुरू किया नेटवर्क सरप्राइज था कि सर ये क्या हो रहा है इधर हमारा टर्न ऑन नहीं आ रहा है और आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो व्हाट एग्जैक्टली यू आर थिंकिंग अबाउट इट तो हम लोगों ने इनको क्लियर कट बोला कि ये जो डिक्लाइन फ्लेज है ओनली फॉर सम पीरियड जो साल दो साल में निकल जाएगा हम लोगों को उस समय के बारे में सोचना है जब ये ग्रोथ आएगा जब ये एक्सपोनेंशियल ब्लास्ट होगा एक्सपोनेंशियल ब्लास्ट की तैयारी तभी करनी है जब आप डिक्लाइन में जा रहे हो एंड हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट हम लोग करते गए एंड देन 2006, 2006 के ले से तो आज 2021, हम लोगों ने कभी भी डिक्लाइन फेज नहीं देखा है वाई इसका सिंपल रीजन है टू थाउजेंड वन टू थ्री में जो हम लोगों ने मिस्टेक्स की थी उसकी सभी मिस्टेक्स का ऊपर हम लोगों ने काम किया फोर फाइव में एक जिसको बोलते हैं ना एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया एक बेंच सेट किया जिसको बोलते हैं कि एक बेस क्रिएट किया एंड उसी बेस के हिसाब से आज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में नेट्स काम कर रहा है देखो बहुत सारे लोग मैं जब अलग अलग स्टेट जाता हूं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जाता हूं तो मुझे बोलते हैं सर ये इतना पुराना कंपनी है आई नेवर हर्ड अबाउट दिस कंपनी नेम कॉल नेटसर्फ आई एम वर्किंग इन विद इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स बट आई नेवर हर्ड नेटसर्फ इन नेटवर्क मार्केटिंग वाई बेसिक सिंपल रीजन फर्स्ट फाइव मतलब फर्स्ट ईयर या फर्स्ट टू ईयर्स हम लोगों ने जो मिस्टेक्स की थी नेटसर्फ अचानक से एंटायर महाराष्ट्र में स्प्रेड हो गया जब ये स्प्रेड हुआ तो दैट टाइम आई वाज़ अलोन इन सेल्स टीम दैट टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो टू सर्व पीपल नेटवर्क से बात करना इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी सप्लाई प्रोडक्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट जो हम लोगों ने उस समय मिस्टेक्स की थ्री फोर फाइव के बाद हम लोगों ने जब इस नेटवर्क को समझा और सिस्टमेटिक तरीके से इस नेटवर्क को डेवलप करना शुरू किया दैट टाइम जब तक नेटस नहीं बोलता है तब तक डोंट ओपन अ न्यू पॉकेट नॉट इवन इन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट टिल टू थाउजेंड एट वी वर्क ओनली इन फोर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र ओनली फोर डिस्ट्रिक्ट बाहर से सेल आता भी था तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते थे वी डोंट वॉन्ट टू यू कैन से डोंट वॉन्ट दैट सेल क्योंकि आज मैं अगर उस सर्विस ने दे पाऊंगा तो कल वहां जाके मैंने बिजनेस नहीं कर पाऊंगा दैट वी नो वेरिएबल एंड दैट्स व्हाट हम लोगों ने इस नेटवर्क को रिस्ट्रिक्ट किया टू ग्रो टिल 2007 वी वर्कड ओनली इन महाराष्ट्र फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन 2008 ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड वर्किंग इन सम गुजरात एंड एंटायर महाराष्ट्र बट आई मस्ट टेल यू टिल 2014 वर्क ऑनली इन टू स्टेट महाराष्ट्र एंड गुजरात दैट्स इट दैट फॉट आप लोग को काफी सारे लीडर्स जो है वो महाराष्ट्र एंड गुजरात के दिखते है हमारे पास एंटायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट प्रोडक्ट सिस्टम्स एंड टीम सब रेडी हो गया दैट टाइम 2014 में नेटस ने अपने आप को ओपन किया टू वर्क डिफरेंट 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 स्टेट्स 2014 वी स्टार्टेड वर्किंग कर्नाटका बॉर्डरिंग ऑफ कर्नाटका नॉट इंटायर कर्नाटका बॉर्डरिंग ऑफ कर्नाटका बॉर्डरिंग ऑफ मध्यप्रदेश बॉर्डरिंग ऑफ छत्तीसगढ़ एंड सम यू कैन से फ्यू स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न एरिया 2015 वी स्टार्टेड और नॉर्थ पॉकेट

स्ट्रॉ फाउंडेशन एट प्रस इज टू थाउजेंड टी वन एट प्रेजेंट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड फ्यू पार्ट ऑफ लद्दाख में वी आरवर्क आई एम टेलिंग यू कश्मीर एंड फ्यू पार्ट ऑफ लद्दाख छोड़ के नॉट अ सिंगल स्टेट और यूनियन टेरिटरी है इवन अंदमान ऑल्सो वी आर है इंडिया नाउ अभी नेटवर्क ओपन है बट ये जो नेट सर्फ है ये जो सर्फ की अगर मैं बात करता हूं वन सेक देर इज अ प्रॉब्लम शेयरिंग शेयर यू अगेन या तो नेट सर्फ नाउ वर्किंग ऑपरेटिंग लास्ट ट्वेंटी इयर्स, वैसे तो सर्फ कम्युनिकेशन की शुरुआत वी स्टार्टेड दिस कंपनी

20 सालों के बाद आई मस्ट सेविंग जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शायद ही किसी कंपनी के पास इंडिया में होगा ऐसा जिसको बोलते ना कि 100% परसेंट स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्सर के पास है headquarter इन पुणे अभी पुणे केटर के हम लोग बात करते जैसे ही थोड़ा सा ओपन हो जाएगा यू ऑल यू ऑल आर वेलकम इन दिस हेडक्वार्टर ये आपके लिए हम लोगों ने बनाया है एक साल पहले बट पोस्ट कोरोना ट्रेनिंग रूम इज कन्वर्टेड इन टू लैब तो अभी वो लैब में कन्वर्ट हो गया बट जैसे ही ये मार्केट ओपन होता है जैसे ही कोरोना थोड़ा पिछ जाता है विल अगेन ओपन अ ट्रेनिंग हॉल फॉर यू गॉय जहां पर आपके लिए हंड्रेड परसेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड सर्फ इज नॉट कंपनी इट इज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड सिंगल कंपनी बट लेटर ऑन टू थाउजेंड थ्री अजय बायोटेक को नेटसर्फ के इस पे आ गया अंडर वन रूप अजय बायोटेक एंड नेटसर्फ इज है सेम डायरेक्टर सेम चेयरमैन सेम बोर्ड अजय बायोटेक एंड देन स्टार्टेड नेट सर्फ रिसर्च लैब In 2004, then 2009 we started our own entertainment company called Next Entertainment. वैसे हमारे पास और भी कंपनी है Maverick Mobile, जिन्होंने मतलब इंडिया में we are having the first, not even Indian, Asian company who got Demo God Award in San Diego, USA. जो एप्लीकेशन आज भी यूज किया जाता है फॉर spying, not for us. This was spying for police, not for us. अगर आप ऑफिस आओगे तो हर टाइम पे आप यहाँ पर एक पुलिस वैन नीचे खड़ा देखोगे या फिर दस पंद्रह पुलिस आप ऑफिस में देखोगे वो आते हैं क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आता है इन कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद वो डिटेल लेकर आते हैं नेट अगर किसी एरिया में क्राइम हुआ है तो उस एरिया के क्राइम का सी रिपोर्ट जनरेट करके उनको देता है जो नेटसर्फ के टीम ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वी आर द सेम टाइम वी आर हैविंग एसकेपीएल जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे अलग अलग होर्डिंग्स एंड एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं तो इज ग्रुप ऑफ कंपनी एंड 2019 में टू के साथ में एक और कंपनी मर्ज हो गई दैट इज कॉल्ड माई लैब माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन उसके बारे में हम लोग अभी आएंगे पांच मिनट के बाद विल डिस्कस अबाउट माई लैब एट प्रेजेंट दिस फोर कंपनी वर्किंग फॉर नेटसर्फ नेटवर्क आई मेंशन ओनली फोर कंपनी ज पेरेंट कंपनी प्रोडक्ट्स देता है अजय बयाटिक जो आपको प्रोडक्ट्स देता है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है जैसे अभी एम सी एम मीटिंग हमारा हुआ था इन हैदराबाद uh, उसके पहले महाबलीपुरम या फिर जो इंटरनेशनल हमारा दुबई या फिर कहीं और ऑर्गेनाइज होता है तो नेट्स इंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजिंग दिज फोर कंपनी वर्क फॉर नेक्स नेटवर्क वर्क फॉर यू गाइज अभी बात करते नेटसर्फ के डिफरेंट डिफरेंट जो अभी आर एन डी या फिर जो रिसर्च की टीम हम लोग को सपोर्ट करती है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट पहले रिसर्च लैब वी स्टार्टेड दिस कंपनी शुरू हुआ बट एनआरएल ने फर्स्ट प्रोडक्ट दिया 2014 में 10 इयर्स 10 इयर्स दे ईयर ओनली फॉर रिसर्च रिसर्च एंड रिसर्च

यहां पर आरएनडी एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों होता है एंड इन दिस फैमिली इन दिस एंटायर नेक्सर फैमिली वी ऐड माइलाब आल्सो इन 2019 एक्चुअली 2019 बिफोर कोरोना बिफोर कोरोना वी वर्क विद दिस माइलाब कंपनी फॉर नेक्सरप नेटवर्क के फ्यूचर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे थे इन 2023 24 25 27

मैन्यूफेक्चरिंग हेल्थ केयर आयुर्वेदा एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्शन यूनिट है हिमाचल में बट कंट्रोल पैनल है नेटस के हेडक्वार्टर में फ्रॉम सिटिंग इन नेटर वी मैन्यू टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट यहीं से ये प्रोडक्ट का मतलब जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट एंड विद इन सम मिनिट्स we got this finished